क्या आप जानते हैं कि भारत में कितने टाइप्स की गाड़ियां होती है? तो आज हम जानेंगे भारत में बिकने वाली अलग अलग टाइप्स की गाड़ियों के बारे में। इन गाड़ियों के बारे में जानने से पहले हमारे पेज को फॉलो कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। नंबर एक पर है हैचबैक कार्स। छोटी कारों को हैचबैक कैटेगरी में शामिल किया जाता है। इनका बूट स्पेस काफी छोटा होती है, साथ ही में डिग्गी यानी लगेज स्पेस कार के साथ ही जुड़ा होता है। हैचबैक आमतौर पर 5 दरवाजे वाली गाड़ियां होती हैं, जिसमें गाड़ी के पीछे का दरवाजा पूरी तरह से ऊपर तक खुलता है। हैचबैक में मारुति अल्टो, मारुति बेलेनो, टाटा पंच, हुंडई i10 और i20 जैसी गाड़ियां हैचबैक कैटेगरी में आती है। अगली कैटेगरी में आती है क्रॉसओवर कार्स। ये कारें हैचबैक और एसयूवी का मिश्रण होती है। लोग क्रॉसओवर कार्स को सॉफ्ट राइडिंग कम्फर्ट और बेहतर डिजाइन होने की वजह से खरीदते हैं। क्रॉसओवर में ब्रेजा, क्रेटा, नेक्सन, स्कॉर्पियो N। उसके बाद आती है सेडान। सेडान कार की बात की जाए तो सेडान कार में इंजन एरिया, पैसेंजर एरिया और लगेज एरिया तीनों अलग अलग होते हैं। इस सेगमेंट में हुंडई वर्ना, होंडा सिटी, स्कोडा स्लाविया आती है। अगली है कूप। इन कारों में मुख्य रूप से 2 दरवाजे दिए जाते हैं। ये कारें स्पोर्टी लुक वाली होती हैं और अन्य कारों के मुकाबले इनमें कम स्पेस होता है। इस सेगमेंट में BMW M4 कॉम्पिटिशन और 911 जैसी गाड़ियां आती है। अगली है SUV। इसका ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होता है। इसमें इंजन एरिया अलग होता है, लेकिन पैसेंजर तथा लगेज एरिया एक साथ होता है। उदाहरण के लिए टाटा सफारी, स्कॉर्पियो, फॉर्चुनर, फोर्ड एंडेवर जैसी गाड़ियां आती है। बाद है पिकअप। ये कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं। पिकअप में महिंद्रा बोलेरो कैंपर पिकअप, बोलेरो मैक्सी ट्रक पिकअप, इसुजू D-Max पिकअप आती है। उसके बाद आती है MPV। उदाहरण के लिए मारुति ओमनी, टाटा एस मैजिक, मारुति इको एक मल्टीपर्पस व्हीकल्स हैं। मल्टीपर्पस व्हीकल्स का मतलब कार के आकार से होता है, ऐसी कार जिसमें इंजन, पैसेंजर और लगेज एक ही बॉक्स में आ जाएं। अगली है स्पोर्ट कार्स। स्पोर्ट्स कार में वह गाड़ियां आती है जो तेज रफ्तार से दौड़ने के काबिल होती है। इनकी कीमत भी साधारण गाड़ियों से अधिक होती है। अगली है कैब्रियोलेट। इन कारों में छत और बिना छत के साथ चलाने का विकल्प होता है। आप चाहें तो इन्हें खुली छत वाली कार बना सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसे बंद भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि आम कारों के मुकाबले ये काफी महंगी भी होती हैं। उसके बाद आती है रोडस्टर। रोडस्टर सामान्यतः 2 दरवाजों वाली ओपन कार है, जिसका लुक स्पोर्टी होता है। इनका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम होता है और बूट स्पेस भी नहीं होता है। इनका इंजन पावर बढ़िया होता है। ये सामान्यतः रेसिंग के लिए अच्छी होती है। इनमें केवल 2 लोगों के बैठने की जगह होती है। इनमें ऑडी R8 स्पाइडर, जैगुआर F-टाइप V6 शामिल है। अगली है शूटिंग ब्रेक। 2 दरवाजों और स्पोर्ट्स कार के साथ आती है। अगली है हाइपर कार्स। इसमें मिलने वाले उच्चतम प्रदर्शन के साथ हाई लेवल के फीचर्स इसे एक सुपरकार से ऊपर रखते हैं। अगली है मसल कार्स में फोर्ड मुस्टैंग, डॉज चैलेंजर RT, मर्सिडीज MG C63 S कूप जैसी गाड़ियां आती है। उसके बाद है लिमोजिन। लिमोजिन दुनिया की सबसे लग्जरी कारों में शुमार है। ये लंबी होती है। इसका इंटीरियर किसी शानदार होटल के रूम से कम नहीं होता। दुनिया भर के कई रईसों की ये शान की सवारी होती है। आप मर्सिडीज से लेकर हमर तक की लिमोजिन कार बनवा सकते हैं। तो ये थी अलग अलग प्रकार की गाड़ियां। वीडियो अच्छी लगी हो तो पेज को लाइक और फॉलो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।